Hey guys, welcome back to Learn to Compete. My name is Hardev Thakur and today we are going to talk about long run cost function. इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो बात करी थी हमने short run cost function की. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए. ऊपर आई बटन दिया हुआ है, वहाँ पे उस वीडियो का लिंक है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. सो शुरू करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन को. सबसे पहले तो कॉस्ट फंक्शन की जिसकी हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट. मतलब कि जिसमें हम आउटपुट एंड कॉस्ट के बारे में रिलेशन देखते हैं कि कैसे आउटपुट के इंक्रीज होने से कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट और कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें कॉस्ट फंक्शन से पता लग जाता है. अब कॉस्ट फंक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और एक होता है लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन. शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, कोई प्रोड्यूसर हमारा प्रोडक्शन कर रहा है, अब प्रोडक्शन के लिए वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है. अब वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है कुछ फिक्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वेरी करते हैं. शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे प्रोडक्शन को अपने वेरी कर सके, ठीक है. कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं जैसे कि कैपिटल, जैसे कि प्लांट, ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं. और कुछ फैक्टर वेरी करते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल एंड लेबर. तो जो इनको यूज करने का खर्चा आता है उसे हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और जो इन फिक्स फैक्टर को यूज करने का खर्चा आता है उसे हम कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट. जो ये फिक्स कॉस्ट होता है ये प्रोडक्शन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि जितनी भी प्रोडक्शन कर लो आपको ये कॉस्ट लगाना पड़ेगा ही, चाहे आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे तब भी ये कॉस्ट आपका लगता ही लगता है. जो आपको प्लांट आप लगाओगे, जो कैपिटल या मशीनरी आप लगाओगे, वो खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो. तो फिक्स कॉस्ट जो होता है वो फिक्स रहता है नो मैटर आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं. और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो वेरी करता रहता है, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहता है, और इन सबको मिला के बनता है हमारा टोटल कॉस्ट, ठीक है. तो ये था शॉर्ट रन में. अब लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में फिक्स सेक्टर का कोई भी काम नहीं होता, यानी कि लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारे प्रोड्यूसर के पास इनफ टाइम होता है कि वो और ज़्यादा प्लांट लगा सके और ज़्यादा कैपिटल इंक्रीज कर सके, ठीक है. तो यानी कि हर फैक्टर जो होगा इसमें वेरिएबल होगा. तो इसमें अलग से हम फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की बात नहीं करते, इसमें हम सिर्फ बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, सब क्या होते हैं वेरिएबल कॉस्ट ही होते हैं. तो इसे हम सिर्फ सीधा लिख देते हैं टोटल कॉस्ट. वहीं पर शॉर्ट रन की हमने बात करी थी, शॉर्ट रन में क्या होता है एवरेज टोटल कॉस्ट होता है, जिसे हम एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी लिखते हैं. अब यहाँ पे सिर्फ टोटल कॉस्ट है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा एवरेज कॉस्ट होगा. और फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि हमने जैसे ही एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी उसमें हमें कितना खर्चा आया, वो हमें क्या बताता है मार्जिनल कॉस्ट बताता है. सो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट. वही सेम इसमें होता है लॉन्ग रन में, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू में चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन आउटपुट, ठीक है. तो इसमें हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट की और मार्जिनल कॉस्ट की. लास्ट वीडियो में हमने टोटल कॉस्ट के साथ साथ बात करी थी टोटल वेरिएबल कॉस्ट की और टोटल फिक्स कॉस्ट की. यहाँ पे हम करेंगे सिर्फ एवरेज कॉस्ट की बात. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की भी, यहाँ पे हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट की, और लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी मार्जिनल कॉस्ट की. तो एक बार हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, टोटल कॉस्ट कर्व और ये एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कर्व कौन कौन सी पड़ी हैं शॉर्ट रन में. देखिए शॉर्ट रन में हमने देखा था टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि ये आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती, कितना मर्जी आउटपुट हो ये फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा. वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट पर डिपेंड करती है और ये अपवर्ड स्लोपिंग होती है, मतलब कि जितना ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहेगा. और इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और टोटल फिक्स कॉस्ट को मिला के बनता है हमारा टोटल कॉस्ट कर्व, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग होती है. और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है उसे हम टोटल फिक्स कॉस्ट ही कहते हैं. ये सब हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए बताया था कि ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है. जबकि रियलिटी में क्या होती है, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है और फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती है, ठीक है. और टोटल फिक्स कॉस्ट तो हमने बताया ही आपको, वो सेम रहती है क्योंकि वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती. तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा. और टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी. ये हम लास्ट वीडियो में पढ़े. इसके अलावा हमने पढ़ी थी एवरेज कॉस्ट के बारे में. ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग थी और फिर क्या होती थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो जाता था. जबकि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो था हमारा वो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा होता था और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप लेता था. ये सब हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट एक रिवीजन है. अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जाके देख लीजिए. वहीं पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट को मिला के क्या बनी थी, एवरेज टोटल कॉस्ट बनी थी, जो कि पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग थी और फिर
अपवर्ड स्लोपिंग थी, ठीक है। वहीं पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी क्या थी, पहले डाउनवर्ड स्लोप होती थी और फिर अपवर्ड स्लोप होती थी, और जो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती थी। ये सब था शॉर्ट रन में जो हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग रन की। इसमें इन सब फिगर्स को आप याद रखिएगा, वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हुई है। तो अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग रन की। देखिए, हमारे एक्स एक्सिस पे हमने लिया है आउटपुट और वाई एक्सिस पे हमने लिया है कॉस्ट, ठीक है। अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो ये हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, इसे हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लिख रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, हमारा प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है इस OA पॉइंट पे, इतनी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और इतना उसका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ रहा है, ठीक है। अब वो आउटपुट इंक्रीज करी, एवरेज कॉस्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये मैंने आपको बताया था कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है और फिर क्या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब अगर प्रोड्यूसर के पास लॉन्ग रन के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, जैसे ही उसका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू होगा, प्रोड्यूसर को पता लग गया अब उसका एवरेज कॉस्ट क्या है, बढ़ रहा है, उसको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है एवरेज, तो वो क्या करेगा, एक और प्लांट लगा लेगा। अब प्लांट लगाने से क्या होगा, ये मान लीजिए दूसरे प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये पहले प्लांट की थी और ये दूसरे प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब ज्यादा प्रोडक्शन करने से, ज्यादा प्लांट लगाने से क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है फैक्टर्स में, यानी कि ये मान लीजिए कटिंग का काम कर रहा है, ये स्वइंग का काम कर रहा है, ठीक है, अलग अलग फैक्टर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज हो जाते हैं अपने अपने काम में, तो इससे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, सेम लेबर पे सेम रॉ मटेरियल पे ज्यादा आउटपुट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस डी पॉइंट के बाद अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा तो उसको कितना एवरेज कॉस्ट आएगा, इतना एवरेज कॉस्ट करवाएगा। लेकिन अगर वो पहले वाली कर्व पे रहता तो उसको कितना एवरेज कॉस्ट आता, इतना, तो उसने इतने का मुनाफा कमा लिया एक और प्लांट लगाने से। वही फायदा होता है लॉन्ग रन कॉस्ट में, लॉन्ग रन कॉस्ट इसीलिए शॉर्ट रन कॉस्ट से कम होता है क्योंकि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर को ज्यादा प्लांट और मशीनरी लगाने का टाइम मिल जाता है, तो क्या होता है, वो अपना कॉस्ट एवरेज कॉस्ट क्या कर सकता है, कम कर सकता है। वहीं पे यहां तक वो प्रोडक्शन कर रहा है, इसके बाद जैसे ही एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगा उसने एक और प्लांट लगा लिया और क्या हो गया, उसका एवरेज कॉस्ट फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। इस तरीके से OA आउटपुट पे उसका क्या आ रहा था, कॉस्ट कितना आ रहा था, इतना, OC पे आ रहा था इतना, और OE पे उसका एवरेज कॉस्ट आ रहा था इतना, और OG पे आ रहा था इतना। इन सब हम पॉइंट को मिलाएं तो ये ऐसे बनता है, ठीक है, ये हमारी होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कैलूप आ रहा है, ये देखिए ये पहाड़ सा बन रहा है ना, जो ये स्कैलूप आ रहे हैं, ये स्कैलूप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने तीन ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लिए हैं। जब हम ज्यादा एवरेज कॉस्ट कर्व लेंगे तो ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो हमारी आई है, ये स्कैलूप इसमें नहीं बनेगा, वो एक स्मूथ कर्व हो जाएगी ऐसे, ठीक है, वो एक ऐसे एक स्मूथ कर्व हो जाएगी। आपको बना के दिखा देते हैं, ये देखिए हमारे एक्स एक्सिस पे है आउटपुट और वाई एक्सिस पे है कॉस्ट, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हमारी ऐसे बनेगी, ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी और फिर अपवर्ड स्लोप होगी। इन तीनों शॉर्ट रन कॉस्ट से हमने क्या निकाल ली, एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकाल ली। इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को हम क्या कह सकते हैं, प्लांट कर्व भी कह सकते हैं। ये प्लांट वन के लिए एवरेज कॉस्ट करती, ये प्लांट टू के लिए एवरेज कॉस्ट करती, और ये प्लांट थ्री के लिए एवरेज कॉस्ट करती, इसलिए इन्हें प्लांट कर्व भी कहते हैं। तो इन तीनों को मिला के हमें जो कर्व मिली उसे क्या कहते हैं, हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हमारा जो प्रोड्यूसर है वो ये कर्व क्रिएट करता है, अपना एवरेज कॉस्ट सेट करता है। और इस कर्व को हम एनवेलप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी शॉर्ट रन कर्व को अपने अंदर समेट के बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आप नोट करने वाली है, देखिए इसके अंदर हमने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ले ली, अलग अलग हमने ये सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर लिए, ये प्लांट वन के लिए, ये टू के लिए, ये थ्री के लिए, ये प्लांट फोर के लिए, ये फाइव के लिए, ये सिक्स के लिए, ये सेवन के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट हमारे प्रोड्यूसर ने प्लांट लगाए हैं और ये उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रही होती है तब तो वो क्या करती है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के डिक्रीजिंग एरिया पे क्या होती है, टेंजेंट होती है। समझ रहे हैं आप, जब ये डाउनवर्ड स्लोप कर रही है तो वो कहाँ पे टेंजेंट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को डिक्रीजिंग एरिया पे टेंजेंट है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अगर यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था तो प्रोड्यूसर ने पहले ही दूसरा प्लांट क्यों लगा दिया, जबकि इसका मिनिमम पॉइंट तो यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को पहले मिनिमम होने देना था, फिर उसके बाद दूसरा प्लांट लगाना था, पहले ही प्लांट लगाने की क्या जरूरत। देखिए इसने पहले शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से पहले ही दूसरा प्लांट क्यों निकाल लिया, मिनिमम पॉइंट पे उसका देखिए, अगर मान लिए वो आउटपुट करता इतनी, ये आउटपुट करता है तो उसका कॉस्ट कितना आता, ये, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट आता उसका। लेकिन दूसरा प्लांट लगाने से इसी आउटपुट पे उसका कॉस्ट कितना आ रहा है, इतना। चाहे पहली शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पे वो मिनिमम पॉइंट पे है, फिर भी उसको ज्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू कि वो एक और प्लांट लगा ले,
ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले ही दूसरा प्लांट लगा लिया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रही होती है तो वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग एरिया पे क्या करती है, टेंजेंट होती है। ये आपने याद रखना है अगर आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए। अब जैसे ही वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, वैसे ही क्या होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करके वो मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट होता है। यानी कि ये जो ओके आउटपुट मान लीजिए हमने लिया, ये ओके आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, ऑप्टिमम आउटपुट होगा। ऑप्टिमम आउटपुट कौन सा होता है, ऑप्टिमम आउटपुट वो आउटपुट होता है जिसमें शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे क्या होती हैं, टेंजेंट होती हैं। यानी कि जो उसने फोर्थ प्लांट जो लगाया है उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे टेंजेंट है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम प्लांट कहते हैं। और इस आउटपुट को क्या कहते हैं, हम ऑप्टिमम आउटपुट कहते हैं। और इस ऑप्टिमम आउटपुट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट विल बी इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब ये चीज हमें पता लग गई। अब इसके बाद क्या होता है, इस पॉइंट के बाद हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्यों हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज होता है, इसका रीजन है, हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है हमारी लेबर में स्पेशलाइजेशन आ जाता है, इसके साथ साथ मोर एफिशिएंट, टेक्निकली एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करना शुरू कर देता है प्रोड्यूसर, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होगी उतने ही क्या होगा, टेक्निकली एफिशिएंट मशीनें लगेंगी, तो हमारी प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट क्या होगी, कम होती चलेगी। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आएगा जिसके बाद हमारी एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, इतनी बड़ी प्रोडक्शन को मैनेज करना क्योंकि धीरे धीरे मुश्किल होता चलता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप कैन नॉट बी इंक्रीज, तो क्या हो जाता है, हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये जहां पे एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रहा होता है इसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या कह सकते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और जहां पे हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा होता है उसे हम कह देते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और जहां पे ये कांस्टेंट होता है इसे हम कह देते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अब रिटर्न टू स्केल की बात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लॉन्ग रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन में क्या होता है, रिटर्न टू स्केल की बात करते हैं हम, ये हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन वाले कंसेप्ट में। सो ये आ गई हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में हमने बात करी, क्या होती है, यू शेप्ड होती है, ऐसे यू शेप्ड होती है, इसे हम एनवेलप कर्व भी कहते हैं, इसे हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। ये हमारा ऑप्टिमम आउटपुट था, इस ऑप्टिमम आउटपुट क्या होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक दूसरे को टेंजेंट होती है मिनिमम पॉइंट पे। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट में देखिए आप, ये हमारे एक प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये दूसरे प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये थर्ड प्लांट की शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, और इन सबको एनवेलप कर रही है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये जो हमारा पहला प्लांट है जिसकी ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसकी मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बारे में आपने शॉर्ट रन में पढ़ा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होती है, पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फिर अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और वो एवरेज कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। तो ये होगी पहले प्लांट की शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इसी तरह दूसरे प्लांट की शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होगी, सेम होगी, पहले डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी और एवरेज कॉस्ट कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी। इसी तरह थर्ड प्लांट की भी क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी और एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करेगी। तो ये तीनों प्लांट की हमारी मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगी, ठीक है। अब जब हम ओपी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना था, ये पॉइंट था, यहीं पे कट हो रहा है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को यहीं पे कट कर रहा है, और हमारा एवरेज कॉस्ट कितना था, ये था। जब हम ओक्यू आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, इस पॉइंट पे है, और एवरेज कॉस्ट कितना है, वो भी इसी पॉइंट पे है, ठीक है। जब हम ओ आर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट कितना है, कहाँ पे कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, और हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व कितना है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे हमारा एवरेज कॉस्ट है, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है जब हम ओ आर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो हमें मिलती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब आप देख सकते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की तरह पहले तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी फिर अपवर्ड स्लोपिंग होगी, और ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। और ये आउटपुट कौन सा है, ओक्यू आउटपुट है। कौन सा आउटपुट है, ओक्यू आउटपुट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वही ऑप्टिमम आउटपुट है जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या थे, एक दूसरे के टेंजेंट थे मिनिमम पॉइंट पे, दोनों के मिनिमम पॉइंट क्या थे, सेम थे। यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट यहाँ पे किसके इक्वल था, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल था। वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं आप शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो गया, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया।
ठीक है। तो यानी कि ऑप्टिमम आउटपुट जो है, ऑप्टिमम प्लांट जो है, उस पर क्या होगा, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगा और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा। तो ये अब हमें दो कर्व की हमने बात कर ली, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये यू शेप्ड होती है, और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये भी शॉर्ट रन की तरह क्या होती है, पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फिर अपवर्ड स्लोपिंग होती है और एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करती है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट की। देखिए लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट की तरह क्या होती है, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के बीच में, वो ये है कि शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर जीरो पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में हमने किसकी बात की थी, टोटल फिक्स कॉस्ट की बात की थी। तो कुछ कुछ उसमें क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी होता है और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर। तो ये हमेशा जीरो पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, ये उससे ऊपर से स्टार्ट होती है, जबकि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है। और इसकी दूसरी एक और खास बात आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व के इक्वल है, एक दूसरे के टेंजेंट है। क्यों? देखिए एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। इसी तरह लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। अब यहाँ पे ओ क्यू आउटपुट है, ओ क्यू आउटपुट क्या है, वही ऑप्टिमम आउटपुट है जिसकी हमने यहाँ पे भी बात करी थी। तो यानी कि ये तो सेम है, यहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी सेम है। इस पॉइंट पे हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक दूसरे के इक्वल होता है और यहाँ पे क्वांटिटी भी सेम है, क्यू ही है। तो जब ये सेम है और ये सेम है तो हमारा शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट और लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट भी सेम होगा। तो यानी कि इस ऑप्टिमम आउटपुट पे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, और यहीं पे हमने बात की थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और यहीं पे हमने बात की थी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया तीनों कर्व के बारे में, पहले हमने बात करी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, फिर हमने बात करी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट की, फिर हमने बात करी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व की। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। पहला पॉइंट क्या है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड प्लांट कर्व। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होती है उसे हम प्लांट कर्व भी कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि ये हर प्लांट की अलग कर्व है तो इसे हम प्लांट कर्व भी कहते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व, इसकी बात भी हम कर चुके हैं। इसके बाद थर्ड है, द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। कौन सा आउटपुट है, ये आउटपुट है जिसपे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल हो। द कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, यानी कि इस आउटपुट पे जिसपे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के इक्वल होता है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करती है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। या आप देख सकते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट ये जा रही है और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट क्या कर रही है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे क्या होता है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एट ऑप्टिमम आउटपुट, यानी कि इस आउटपुट पे क्या था, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के इक्वल था, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल था, और शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के इक्वल था। अब इसके अलावा क्या था, जो यहाँ पे शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में जो रिलेशन होता है वो सेम रहता है। कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और फिर अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये थी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन भी क्या थी, लॉन्ग रन कर्व भी पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फिर अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या कर रही थी, पहले डाउनवर्ड स्लोप हो रही थी फिर अपवर्ड स्लोप हो रही थी और क्या कर रही थी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही थी। इसी तरह लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी पहले डाउनवर्ड स्लोप हो रही है फिर अपवर्ड स्लोप हो रही है और उसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। शॉर्ट रन के केस में क्या था, जब एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगी तब मार्जिनल कॉस्ट उससे कम होगा, और जब एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर की तरफ जाएगी तब मार्जिनल कॉस्ट उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। लॉन्ग रन में भी सेम ही केस रहेगा, जब एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप होगी तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उससे कम रहेगा, और जैसे ही वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा हो, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रही है तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है, उससे नीचे है। जैसे ही लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व अपवर्ड स्लोप हो रही है वैसे ही लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया एवरेज कॉस्ट से।
ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन सेम रहता है, चाहे वो शॉर्ट रन की बात हो चाहे वो बात हो लॉन्ग रन की। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपने याद रखने हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्विज का लिंक दिया हुआ है जिसमें 8 MCQs हैं, आप उसे जाके सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों को अपना कंसेप्ट पक्का करने में आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।